गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. टुडे वी डील अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग. अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में हम कंडीशंस देखेंगे कि अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग किस तरीके से होता है, किस कंडीशंस में होता है. इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स देखेंगे उसके अंदर. एंड टाइप्स के अंदर हम सर्जिकल जो भी ट्रीटमेंट है हमारा, मैनेजमेंट है, कॉजेज है, वो सब डील करेंगे. फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखो. Dysfunction uterine bleeding is defined as irregular, painless bleeding of endometrial origin that may be excessive, prolonged or without pattern. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो uterine bleeding होती है, uterine जो bleeding होती है, सबसे पहले वो irregular होती है, painless होती है. ठीक है, irregular that means उसमें कुछ regularity नहीं है. एक दिन अगर वन डे अगर हैवी हो रही तो हो सकता है सेकेंड डे थोड़ा उससे कम हो. ठीक है, थर्ड डे उससे और ज़्यादा हैवी हो, तो इरेगुलर होती है. नेक्स्ट डे ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ये कहाँ से होती है? यूटेरस से होती है. ठीक है, एंडोमेट्रियल ओरिजिन से होती है. एंड प्रोलॉन्ग होती है, मतलब इसका कुछ टाइम नहीं होता है. अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है. एंड विदाउट पैटर्न रहती है, इसका कुछ पैटर्न नहीं रहता है. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको दिन में ज़्यादा हो रही है, फिर कंप्लेन करता है नेक्स्ट डे की दिन में कम हो रही है, रात में ज़्यादा हो रही है. ठीक है, तो ये विदाउट पैटर्न रहती है, इसका कुछ पैटर्न नहीं रहता है, इरेगुलर होती है एंड एक्सेसिव अमाउंट में होती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है. टाइप्स देखो इसका, मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया. आज हम मेनोरेजिया डील करेंगे. सबसे पहले मेनोरेजिया की डेफिनेशन देखो. मेनोरेजिया मैं आपको बताना चाहूँगी सिंपल क्या होता है कि ये मेस्ट्रुअल साइकिल होता है. ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल जिससे नॉर्मल 4 to 5 days का रहता है, किसी किसी का चलो 6 days का भी रहता है, लेकिन 7 days से ज़्यादा अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, 7, 8, 9 days से ज़्यादा अगर उसको पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है और वो हेवियर हो रही है. ठीक है, जैसे कि अब जो वुमेन रहती है उसको मेस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 3 days हेवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद 4, 5, 6 days तक उसको नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, या फिर 6 days में किसी किसी का 6 days में कंप्लीट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन जिसको मेनोरेजिया रहता है उसको 7 days भी हैवी ब्लीडिंग होती है, 8 days भी हैवी ब्लीडिंग होती है. किसी किसी का आपने सुना होगा कंप्लेन कि 15 days तक किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है. ठीक है, बहुत रेयरली, हर किसी का नहीं, मतलब कुछ बाई चांस जैसे आप लोगों के सुनने में आया होगा, गर्ल्स को बोल रही हूँ मैं स्पेशली. ठीक है, सुनने में आता है कि कुछ गर्ल्स रिलेटिव्स वगैरह कुछ कंप्लेन करते हैं कि 10 days तक रहता है, 8 days तक रहता है, तो उनको मेनोरेजिया की कंडीशंस हमको देखने को मिलती है. ये जनरली किसी कारण से भी होता है, जैसे कि किसी को ब्लीडिंग किसी और दूसरे कारण से भी हो सकती है, इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकती है, या फिर उसको डिफॉर्मिटी उस कारण से भी हो सकती है. ठीक है, तो ये जो है जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, 7 days से ज़्यादा होती है, तो हम उसको मेनोरेजिया बोलते हैं. एंड अबाउट 1 in every 20 women हैज़ मेनोरेजिया. अगर हम बात करते तो हमें 20 women में से 1 woman ज़रूर कंप्लेन करेगी कि उसको 7 days से ज़्यादा ब्लीडिंग होती होती है. ठीक है, कॉजेज देखो इसका. ग्रोथ और ट्यूमर्स ऑफ द यूटरस दैट आर नॉट कैंसर्स. अगर यूटरस है, यूटरस आपको पता है शाइस, ठीक है, इसके अंदर ट्यूमर्स है या फिब्रॉइड्स है, लेकिन ये कैंसर नहीं है. ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम लेयर ज़्यादा बन रही हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल के टाइम पर वो ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज कर रही हो. नेक्स्ट है कैंसर ऑफ द सर्विक्स और यूटरस. एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैंसर अगर पेशेंट को है, या यूटेरस या सर्विक्स में उसको कैंसर है, तो हो सकता है कि पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो. कैंसर और में तो पेशेंट को क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग की कंप्लेन करता है. ठीक है, जनरली भी, लेकिन उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल पे और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब उन 5 to 7 days में उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती, कंट्रोलेबल नहीं होती है. वो 1 hour में कम से कम 4 to 5 pads यूज़ कर लेती है. ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट है कॉजेस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल. जैसे कि पर्टिकुलर टाइप, अगर पेशेंट है वो ओनली पर्टिकुलर टाइप का बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, मतलब प्रिकॉशन के लिए, मैंने आपको पढ़ा था ना कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में, अगर पर्टिकुलर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है
जैसे कि मान लो वो मालाडी ले रही है, ठीक है, या 72 आवर्स पिल्स ले रही है, ठीक है, तो अगर वो कंटिन्यूसली इन्हीं टेबलेट्स का यूज़ करे तो हो सकता है कि उसको चांसेस हो हैवी ब्लीडिंग्स के, क्योंकि इनके इनके साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं। इनका मेन काम क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकल्स और जो ओवुलेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होने देती, ठीक है, ये टैबलेट्स, तो इनका मेन काम क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकल्स को आना, ठीक है, उनको मतलब आप लोगों को पता है कि 72 आवर्स पिल्स की यूज़ करते हैं ताकि क्या हो कि कंसेप्शन ना हो, कंसेप्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो इनका यही काम है। अगर कोई वुमन आफ्टर मैरिज हो तो उसकी बात कर रही हूँ ना मैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए, नॉर्मल में नहीं यूज़ करती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, जैसे कि मिसकैरेज उसका हो गया है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, तब भी हमें मेट्रोजिक कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है तो उस कंडीशंस में भी हमें देखने को मिलता है हैवी ब्लीडिंग। अदर इसके कॉजेज देखो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अगर पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तब भी हमें हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। टेकिंग सर्टेन ड्रग्स सच एस एस्प्रिन एंटीकॉगुलेंट ड्रग होती है, ठीक है, तो सॉरी कॉगुलेंटेड ड्रग होती है, अगर एस्प्रिन का भी यूज़ करते हैं तो हमें जब भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट द मेनोपोज ट्रांजिशन ऑल्सो रिफ्राइड पेरी मेनोपोज। मेनोपोज क्या होता है कि मेनोपोज का मतलब ये होता है कि कोई वुमन है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, लेकिन पेरी मेनोपोज क्या होता है कि उसका 40 ईयर्स एज के पहले ही उसका मेनोपोज हो गया है, तो हो सकता है उसको बाद में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को हमें मिले। नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ में भी कॉज होता है कि उसको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग उसको हैवी हो रही है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के बाद। नेक्स्ट फिब्रॉइड्स और पॉलिप्स इन द लाइनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉर्म दैट मीन्स यूट्रस, तो उसमें पॉलिप्स या फिब्रॉइड्स हो जाना, जिस कंडीशंस में क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग्स हमको देखने को मिलती है। चाइल्ड बर्थ इसलिए बोल रहे जैसे किसी पेशेंट की डिलीवरी हुई, उसके बाद इसको जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल या सेकंड मेंस्ट्रुअल पीरियड आया उसमें हो सकता है इसको हैवी ब्लीडिंग हो, ठीक है। एंड पेरीमेनोपॉज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आफ्टर पेरीमेनोपॉज पेशेंट को क्या होता है कि एकदम से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए एंड उसको क्या हो रहा है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ये कंडीशंस हमको देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी दैट मीन्स ये कि अगर किसी पेशेंट का मिसकैरेज है, मिसकैरेज के बाद उसको जैसे पीरियड्स आया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद उसको पीरियड्स आया, तो उस कंडीशन में भी उसको ब्लीडिंग्स देखने को मिलती है हैवी ब्लीडिंग, ठीक है। आप ये मत सोचना कि प्रेगनेंसी है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकल्स कैसे देखने को मिला, ये कॉजेस हैं पहले के, मतलब कि हमें इस कंडीशन से ये देखने को मिल सकता है बाद में। नेक्स्ट अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को ये कंप्लेंट करेगा कि वो टैम्पोन्स और पैड, टैम्पोन्स भी एक प्रकार का पैड ही होता है, ठीक है, तो वो कितना यूज़ कर रहा है, एवरी आवर में एक से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट नाइट के टाइम पर उसे चेंज करना पड़ रहा है पैड्स और टैम्पोन्स, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग लास्टिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड अप टू 7 डेज, पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा कि मुझे 7 डेज हो गए हैं लेकिन अभी भी मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ये कंप्लेंट करेगा पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट डे पेशेंट कंप्लेंट करेगा अ ब्लड क्लॉट द साइज ऑफ क्वार्टर और लॉन्गर, जो उसको ब्लड क्लॉट्स हैं वो उसको हैवी हो रहे हैं और उनका साइज लॉन्गर दिख रहा है। नेक्स्ट में पेशेंट कंप्लेंट करेगा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट पेन इन लोअर पार्ट ऑफ स्टमक एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन में उसको क्या होगा, पेन होगा। फिर लैकिंग एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि उससे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिक कंडीशंस रहेगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में आप एनीमिया भी ऐड कर लेना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको होगी क्योंकि अगर आप लोग खुद देखते हो पेशेंट एनीमिक रहता है तो उसका जनरली साइन एंड सिम्टम यही रहता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है।
इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं पे फिब्रॉइड्स तो नहीं है, ठीक है, एंड थायराइड चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। अगर हार्मोनल का लेवल कम से ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या रही भी कॉज हो सकता है कि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो। CBC इसलिए करेंगे कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। नेक्स्ट पेप स्मियर टेस्ट करेंगे टू चेक द सर्विक्स फॉर चेंजेस। हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट को कैंसर तो नहीं है पेप स्मियर टेस्ट से। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे क्योंकि हमें ये चेक करना है कि इसको यूटेरस कैंसर तो नहीं है या एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड चेक करेंगे हम कि ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और ऑर्गन में जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली नॉर्मल है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में और हम करेंगे सोनोस्टेरोग्राम। इसमें भी हम यूटरस के बारे में पूरा चेक करते हैं, यूटरस में किस तरीके का फंक्शन हो रहा है, साइज, फिब्रॉइड्स तो नहीं है। हिस्टेरोस्कोपी डायरेक्टली एग्जामिन करेंगे स्कोपी करके, पॉलिप्स या फिब्रॉइड्स तो नहीं है, पेशेंट को चेक करेंगे। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट भी करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में आप देखो, सबसे पहले पेशेंट को हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू पेन। इसमें हम आइबुप्रोफेन में एडविल, मोटरिन आईबी एंड अदर्स और नेप्रोक्सेन सोडियम प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। देखो पेन के लिए हम आइबुप्रोफेन करेंगे एंड नेप्रोक्सेन सोडियम एलिवी हेल्प टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को रिड्यूस करेगा। फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैव द एडेड बेनिफिट टू रिलीविंग पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, डिसमेनोरिया। अगर पेशेंट को मेनोरेजिया के साथ डिसमेनोरिया भी है, पेनफुल क्रैम्प्स, तो हम उसको आइबुप्रोफेन एडवाइस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशंस में तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती नहीं है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही रहता है। लेकिन अगर पेशेंट को अगर डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करता है जैसे फिब्रॉइड है, तब वो पेशेंट एडमिट रहेगा। नेक्स्ट है ट्रानेजेमिक एसिड। इसको हेल्प करता है ये रिड्यूस टू मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को, एंड ओनली नीड टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। मतलब जितनी ब्लीडिंग होना है उतना ही अलाउ करता है, बाकी जितना ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे जैसे कि किसी का मेंस्ट्रुएशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे टू कंट्रोल द हार्मोनल लेवल, जिसका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। असाइड फ्रॉम प्रोवाइडिंग बर्थ कंट्रोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन हेल्प रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिड्यूस एपिसोड ऑफ एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन होता है। द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कैन हेल्प करेक्ट हार्मोन इम्बेलेंस एंड रिड्यूस मेनोरेजिया। ये क्या करता है, इसका ही वर्क रहता है, आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि ये कंट्रोल करता है हार्मोनल इम्बेलेंस को, एंड अगर हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं होगा तो जो है मेनोरेजिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनल IUCD, लिटेटा एंड मिरेना। दिस इंटरट्रेन डिवाइस रिलीज अ टाइप ऑफ, ये हमारा अलग है, ठीक है, ये इंसर्शन डिवाइस है, अ सपोर्टिव डिवाइस। इसमें हम क्या करते हैं, जो IUD इंट्रायूटराइन डिवाइस फिट करते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोजेस्टिन रहता है। वो क्या करता है कि जो मेंस्ट्रुअल यूटेराइन जो लाइनिंग होती है जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उसमें क्या करता है, ये वो प्रोजेस्टिन होता है, इसको हम बोलते हैं लेबोनॉर्जेस्ट्रेल। ये क्या करता है कि जो लाइनिंग है यूटेराइन लाइनिंग है इसको थिन करता है, डिक्रीज करता है कि इसको मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है, एंड जो क्रैम्प्स उसको भी डिक्रीज करता है, जैसे कि हमने इसको इंसर्ट किया यूटेराइन लाइनिंग में, ठीक है। अब ये इस तरह का डिवाइस होता है, तो ये क्या करता है कि जो यूटेरस लाइनिंग है इसको, ये पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि यूटेरस लाइनिंग में, ये यूटेरस लाइनिंग ही क्या होती है, यही पीरियड्स के रूप में बाहर निकलती है, जैसे कि ब्लीडिंग के थ्रू और क्लॉट्स के थ्रू। तो ये क्या करती है कि ये इतने लाइनिंग बनने ही नहीं देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोजेस्टेरोन
हार्मोन होता है जो क्या वर्क करता है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसको डिक्रीज करता है, लाइनिंग कम करके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कम करके, और क्रैम्पिंग भी कम करता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है हमारा। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम DNC करते हैं। इन दिस प्रोसीजर डॉक्टर ओपन्स डायलेटेड सर्विक्स एंड इसमें आप इमेज देखो, ये पेशेंट क्या कर रहा है, सर्विक्स को डायलेट कर रहा है, एंड देन स्क्रैप्स और सक्शन टिश्यूज फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो इसमें क्या होता है, माइनर प्रोसीजर होता है इसमें, वो लाइनिंग है उसको स्क्रैप करके निकाल रहे हैं टू रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो रिड्यूस होगी। ऑल्दो दिस प्रोसीजर इज़ कॉमन एंड ऑफ्टन ट्रीट एक्यूट एंड एक्टिव ब्लीडिंग सक्सेसफुली, मे नीड एडिशनल DNC प्रोसीजर ऑफ मेनोरेजिया रिक्वायर। इसमें क्या होता है कि एक बार से ठीक नहीं होता है, इसमें बार बार एक 2 to 3 times इस प्रोसीजर को करवाना पड़ता है टू करेक्ट द मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को करेक्ट करने के लिए 2 to 3 times ये प्रोसीजर को करवाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ये अब नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम लेयर बन रही है उसको कम करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में इसलिए यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को फिब्रॉइड से या ट्यूमर से, एबनॉर्मल जो कैंसरस नहीं है उसमें सर्जिकली रिमूव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज नंबर लोकेशन ऑफ फिब्रॉइड्स। ये क्या करता है कि ये सर्जरी इन्वॉल्व रहती है एंड ये थोड़ी बिग सर्जरी होती है, ठीक है, इस DNC से थोड़ी मेजर होती है। इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको इसमें बताया कि पेशेंट को इतने सारे फिब्रॉइड्स है, लेकिन मान लो अगर उसको सिर्फ यहीं पे फिब्रॉइड्स है जिसके कारण उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर यहीं पे फिब्रॉइड्स है जिसके कारण उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर उसको मान लो ज़्यादा फिब्रॉइड्स है तो उस अकॉर्डिंग हम सर्जरी प्लान करेंगे सोनोग्राफी करके। इसमें क्या करते हैं कि फिब्रॉइड्स को रिमूव करते हैं एंड सर्जिकली इस पर डिपेंड करता है एब्डोमिनल, इसमें ओपन करते हैं एब्डोमिन ओपन करते हैं जैसे कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू, देन चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे फिब्रॉइड्स हैं। वैसे तो MRI एंड USG कर लेते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी के थ्रू ये लोग फिब्रॉइड्स को रिमूव करते हैं, देन उसको स्टिच करते हैं लेप्रोस्कोपिकली एंड हिस्टरोस्कोपिकली, ठीक है। हिस्टरोस्कोपिकली दैट मीन्स डायरेक्ट कट करना, एंड लेप्रोस्कोपिकली दैट मीन्स डायरेक्ट लेप्रोस्कोपिक करके फिर जितने फिब्रॉइड्स उसको निकालना। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल रिसेक्शन। इसमें जनरली इमेज देख के समझ में आ रहा है आपको, इसमें जितना भी एंडोमेट्रियम लेयर होता है अननेसेसरी उसको हम थ्रू एंडोमेट्रियम रिसेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं। दिस सर्जिकल प्रोसीजर यूज एन इलेक्ट्रोसर्जिकल वायर लूप टू रिमूव द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। इसमें क्या होता है, इसमें वायर लगा होता है एंड ये क्या करता है, इसमें एक लूप लगा होता है जिससे, और वो इलेक्ट्रिकल सर्जिकल रहता है, जिससे क्या करते हैं कि जितना भी अननेसेसरी एंडोमेट्रियम लेयर उसको निकालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हैवी ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है कि नॉर्मल हो जाती है। जनरली ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अगर कोई वुमन प्रेगनेंट है और वो कंप्लेन करेगी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो उसमें यूज़ नहीं करते। इसमें क्या होता है कि एक वायर जुड़ा होता है और एक टीवी में अटैच होता है, ये LCD में अटैच होता है, जिसमें हमें जो सर्जन रहता है उसे शो होता है कि कितना एंडोमेट्रियम लेयर कितना निकालना है, ठीक है। अब मान लो कि ये जितना ये इमेज है वो उतना का उतना ऐसे टीवी में शो होगा और वो देख पाएगा कि उसे किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ये हमारा मैनेजमेंट था एंड ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो ओनली 1 paragraph है, बट मैंने कोशिश करी है कि इसको आपको पूरा समझ में आए एंड इसके आप नोट्स बना लेना, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। बाकी का मेट्रोरेजिया मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।